तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आपके लेके आए हैं न्यू इलेक्ट्रिक ऑटो, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो गाइस चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बात करते हैं सर से। तो सर हेलो, कैसे हो? हम फाइन, आप बताइए सर। आपका नाम? सर संदीप। ओके सर, इसके बारे में बताइए कुछ। सर गाड़ी हमारी रेंज प्लस है इसका नाम, और फुल कंटेनर कार्गो में आती है, और एंड थ्री फिलर कॉमर्शियल। इसमें आपको वन टाइम चार्जिंग करने में 120 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और जो उसका अपना लोडिंग जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट से इसकी 650 है, बट एक्चुअली हम इसमें आप 950 क्विंटल गाड़ी पे सामान हम लोड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हमें बैटरी किस टाइप की मिलती है? सर बैटरी आपको फिक्स बैटरी है इसमें, और 10.5 किलोवाट की बैटरी है इसमें एक्जीकॉम की। ठीक है, इसमें आपको मतलब ये नहीं है कि बैटरी आपकी चोरी हो जाए कुछ भी है, क्योंकि बैटरी का सबसे कस्टमर का पहला क्वेश्चन होता है कि बैटरी चोरी ना हो जाए कुछ भी, उसके लिए आपको पूरी गाड़ी उठाना पड़ता है पूरा सामान कंटेनर, उसके बाद आपकी बैटरी फिक्स है इसके अंदर। ओके, तो बैटरी को कोई उम्मीद ही नहीं है इसके निकलेगी। अगर बाय चांस गाड़ी चोरी हो जाती है तो बैटरी में इसमें नेविगेशन जीपीएस का ऑप्शन भी है, इसमें जीपीएस भी है, जीपीएस भी होता है बैटरी में कि अगर गाड़ी कहीं गुम हो गई है तो कंपनी आपकी बैटरी बता देगी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है। ठीक है सर, चार्ज करने में टाइम कितना लगता है? सर मैक्सिमम उसमें ढाई से तीन घंटे मैक्सिमम, ढाई से तीन घंटे। ओके सर, बाकी कार्गो ऑटो से आपके ऑटो में फ़र्क क्या है, मतलब चेंजेस क्या होंगे, मतलब क्या हमें नया देखने को मिलेगा आपके ऑटो? सर बाकी जो आपकी कंपनी अगर देखोगे उसका जो साइज़ है, आप उसका साइज़ छोटा देखोगे, जो लेंथ पे भी है साइज़ छोटा है, जबकि लेंथ पे से बड़ी भी है। हाँ जी, दूसरा इसकी बॉडी जो है, बॉडी इसकी कस्टमर की जब गाड़ी ठुकती है तो यहाँ पर डेंट पड़ता है, इसमें एक डेंट का ऑप्शन नहीं है जी, डेंट नहीं है, स्ट्रेचेबल है, अंदर जाके बाहर सीधा फ्लेक्सीबल इसका। रही इसकी अपने कंटेनर की बात आ गई, कंटेनर का अपना सॉलिड है, आपको मैं एक बार कंटेनर का अंदर दिखा दो पूरा हिस्सा इसका। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका पेलोड कैपेसिटी कितनी होगी? ये हमारा फुल कंटेनर है इसका 550 सर। 550? हाँ जी। ओके, काफ़ी बड़ा लग रहा है यार कंटेनर तो, देखा जाए सर यही डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितना मटेरियल सारा इन हाउस है प्लांट। ओके, इसमें कि किसी से हम बनवा नहीं रहे ना, हम किसी से ले रहे हैं, अपना सारा अपना बन रहा, फरीदाबाद प्लांट हमारा, 6-7 प्लांट हमारे वहाँ पे खुद के, और वहीं सारा काम इसका बन रहा है वहाँ पे, और बैटरी भी इन हाउस हमारी, बैटरी भी इन हाउस हमारी बन रही है, और वही हमारी बैटरी डलेगी इसमें, लिथियम बैटरी रहेगी इसमें। सर जी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है? सर ये 175 mm। 175 mm? हाँ जी। ये बैटरी दिखाई तो कहाँ पे प्लेसिंग है? सर बिल्कुल आइए सर, सर बैटरी ये पूरी, ये पूरी फुल बैटरी लगी है यहाँ पे, ये नीचे इसका पूरा जो कवर चेसिस का फिक्स है बैटरी। जो रियर सस्पेंशन हमारे डैम्पर वाले रियर सस्पेंशन हमारे। सर इन सस्पेंशन का फ़ायदा क्या है बाकी के मुकाबले? सर दूसरा सस्पेंशन में क्या कि जब गाड़ी जब खड्डे में जाती है तो गाड़ी कई बार हिलती भी है और झटके मारती है। इसमें डैम्पर डैम्पर का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी को झटका नहीं लगेगा, नॉर्मली आपकी गाड़ी अप डाउन स्मूथ ऊपर नीचे होगी इसमें आपकी। तो सर हमें इसी फ्रंट में हमें क्या क्या देखने को मिले जरा? तो फ्रंट में आपको सबसे पहले हमारे कंपनी का लोगो आ जाएगा फ्रंट में हमारा। ठीक है, सेकंड इसमें आपको जो फ्रंट आपकी जो हेडलाइट है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, साइड में आपको इंडिकेटर से मिल जाएगा इसमें आपको। ठीक है, फ्रंट इसका अपना जो फाइबर जो अपना पार्ट है इसका फेंडर, ठीक है, ये भी इसमें होता है कि कस्टमर कहता है कि नुकसान ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा आता है, इसमें कोई खर्चा नहीं है इसमें। ठीक है, 1000-1500-2000 मैक्सिमम आपके, एक आइडिया बता रहा हूँ मैं कि इसका इतना ही खर्चा है, तो स्ट्रेचेबल है ये सबसे बड़ी बात, स्ट्रेचेबल है, हाँ। ये नहीं कि जाते ही टूट जाए, स्ट्रेचेबल है पूरा ये पार्ट। ओके एंड सर इंटीरियर में दिखा दो हमें क्या क्या है? जी बिल्कुल, सर आइए सर, आइए सर इंटीरियर। सर अभी हम यहाँ पे अंदर कंटेनर के इसके अंदर आ गया, ये हमारा फ्रंट है एमरजेंसी ऑप्शन, इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे इसको, और यहाँ से हम चाबी ऑन करेंगे तो आपकी ये डिस्प्ले स्टार्ट यहाँ से ऑन हो जाएगी आपकी। डिस्प्ले में आपको यहाँ पे चार्जिंग शो कर देगी, कितना परसेंट चार्जिंग है आपकी, यहाँ पे आपको किलोमीटर शो करेगा, टोटल किलोमीटर गाड़ी आपकी कितनी चली है, आपकी ऑडोमीटर, यहाँ पे आपकी स्पीड आएगी, कितनी स्पीड गाड़ी आपकी चल रही है यहाँ पे। ये आपका फ्रंट न्यूट्रल आ गया ऑप्शन, अगर इस बटन को हम दबाते हैं ट्रिप का तो यहाँ पर ट्रिप का ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम प्रेस करते हैं तो जीरो रीडिंग हो जाएगी अभी यहाँ पे, तो जीरो होगी। यहाँ से अपने यहाँ से कहीं भी जाते हो तो यहाँ पे किलोमीटर और चार्जिंग देख सकते हो कि किलोमीटर कितनी आपकी बैटरी चली है इसमें आपकी। यहाँ पे आपको फ्रंट में इसमें कंट्रोल लाइट मिल जाती है वाइट LED, एंड ये आप हमारे अंदर बॉक्स है, इसके अंदर आप कोई कस्टमर ने कोई मोबाइल या कोई पर्ची स्लिप रखनी आप इसके अंदर यहाँ पर रख सकते हो। ये हमारी हाई बीम लो बीम का ऑप्शन हेडलाइट का, इसमें ये हमारा हॉर्न का आ गया,
इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ गया इसमें हमारा, एंड तीसरा हमारा इसमें जी पार्किंग ऑप्शन है जिसमें जी यहाँ हमारे पार्किंग लाइट जल चुकी, चार लाइटें हमारी जलेगी इसमें जी। अगला जी इसमें जी ना वाइपर ऑप्शन कि पानी पुनी या डस्ट आ गया तो इसमें वाइपर ऑन करते हैं यहाँ पर जी। उसके बाद हम देखे कि न्यूट्रल, ये फ्रंट हमारा जो न्यूट्रल, अभी से हम गाड़ी हमारी खड़ी तो न्यूट्रल में जाएगी, अगर हमको गाड़ी ड्राइव करनी है तो यहाँ पे हमको फ्रंट करेगा तो गाड़ी हमारी चलेगी यहाँ से, तो एफ यहाँ पे लिखा है तो गाड़ी हमारी चल पड़ेगी यहाँ से। एंड अगला इसमें तीसरा गाड़ी अगर आपको रिवर्स करनी है तो यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन भी है, गाड़ी बैक करने के लिए यहाँ पे रिवर्स करते हैं। अगला जी बूस्ट ऑप्शन, इसको बोलते हैं बी मतलब बूस्ट ऑप्शन। बूस्ट मतलब ये कि अगर आपको ड्राइवर को लग रहा है कि हाँ गाड़ी में लोड पड़ रही है या कहीं चढ़ाई में चलने दिक्कत आ रही है तो तब उसको बूस्ट का ऑप्शन करते हैं तो गाड़ी आपकी नहीं रुकेगी बीच में। तो अभी गाड़ी में कितनी स्पीड रहेगी? सर स्पीड सेम ही रहती है सर, स्पीड का कोई फर्क नहीं होता इसमें, बस आपको फ्रंट जो अगर आपकी गाड़ी में लोड पड़ गया कहीं गाड़ी में लोड मांग रही है तो थोड़ी सी उस टाइम स्पीड कम हो जाएगी तब आपको बूस्ट का ऑप्शन करना पड़ेगा इसमें आपको। उसमें आपको आपका यूएसबी चार्जिंग आता है मोबाइल चार्जिंग का ड्राइवर के लिए। ये आपका जी हमारा आ गया फ्रंट हैंड ब्रेक, और जो हमारा ब्रेक है जी हमारा हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक, ज़्यादातर आपको दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा पर ये हमारी कंपनी में आया ड्रम ब्रेक हाइड्रोलिक। अगर उसके बाद बात की जाए सीट के लिए तो सीट है जी इतनी सीट आपको दूसरी कंपनियों में नहीं मिलेगी जितनी बड़ी इसको स्पीड सीट बनाई है, एंड स्पेस के लिए स्पेस काफ़ी है इसमें, काफ़ी बैठने के लिए कस्टमर के बंदे के लिए, इसके साथ में ड्राइवर का एक बंदा और एक्स्ट्रा, दो बंदे एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं इसमें आराम से। सर जो टायर का बता दो हमें, सर जो टायर का साइज़ है वो 10 इंची टायर है और ट्यूब वाला टायर है इसमें आपका, ठीक है, और सीएट कंपनी का टायर आता है इसमें, सीएट कंपनी का। हाँ जी, तो सर हमें ये कितने पेमेंट में पड़ेगी, मतलब हमारे डाउन पेमेंट कितनी रहेगी? सर डाउन पेमेंट अप्रोक्सीमेट 50-80,000 के बीच में रहेगी, बीच में रहेगी, बाकी वो कस्टमर के सिविल्स के हिसाब से रहेगा कि ज़्यादा सिविल वैसे उनकी डाउन पेमेंट से भी रहेगी उनके। ओके, एंड सर इसकी जो अगर की जो फ्रेंचाइजी वगैरह लेनी हो या तो कैसे लेगा? सर वो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ, बाकी आपको मैं इसमें अपना आपका नंबर भी मेंशन करता हूँ, मैं एक बार आपको नंबर बताता हूँ अपना 7888-6879-02, एक नंबर और बताता हूँ 9888-18-22-87। अच्छा, इस नंबर पर कॉल करने में आप बता दो ये सारा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंचकुला भी हमारा ऑफिस है अमर टैक्स बिजनेस सेंटर में, फ्लोर नंबर 362। ठीक है, एंड आपकी तरफ क्या डिस्काउंट रहेगा कस्टमर के लिए? सर पक्का आपके नाम से जो भी आएगा हमारा उस पर पक्का आपको डिस्काउंट रहेगा, उसमें ये नहीं है कि आपको जो रेट हम उसी रेट में देंगे आपको, उसमें कि कम से कम 5-10% के बीच डिस्काउंट रहेगा उसमें आपको 5-10%। हाँ जी, ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एंड गाइस आपको ऑटो कैसे लगा मुझे कमेंट करिए जरूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।